हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम ईवीएस से जो आपकी क्लास फिफ्थ की बुक है लुकिंग अराउंड, उसका चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर 7, पानी के प्रयोग, मीन्स एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स। वाटर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हम इसमें वो ही देखेंगे आज। तो क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बोली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती, जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। ये देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर ये क्या, वह तो डूब गया। तो इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली कि उसने एक गोल सा आटा बनाया तो उसने पानी में डाल दिया, ऑब्वियसली वो डूबेगा। लेकिन जो उस अम्मी जो है पूरी बना रही थी, जिसे आपको पता है कि उससे जो है वो लाइक फ्राई हो जाती है, फूल जाती है, फूलने के साथ जो है उसकी एक शेप बन जाती है जिससे वो फ्लोट कर सके। पहले थोड़ी सी जो है उसकी शेप अलग सी होती है, इसलिए ये रीज़न है कि ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। आइए वो कविता पढ़ लेते हैं। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर बारी बरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। तो कह रहे कि देखो सभी की जो ये जो मैंने बोट बनाई है वो पानी में जो है तैर रही है, तो ये जो जहाज है वो तो तैर रहा है, पर जो जो ये सुई होती है, नीडल होती है, लेकिन ये तो डूब जाती है। तो बोट में ऐसी क्या खूबी है। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं सवानी में। मैं कहते कि जो जहाज तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, वो तो नहीं डूबते, लेकिन ये हल्की सी जो सुई होती है वो डूब जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो बोट की शेप ही ऐसी होती है कि वो फ्लोट करे, नीडल तो वैसे ही डूब जाएगी, उसकी तो कोई है ही नहीं, कोई उसका स्ट्रक्चर ऐसा, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। तो ये हम बुक्स पर लेते हैं कि व्हाई दिस हैपन। मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये एक नाम है
एक सागर का नेम है, तो जिसमें सबसे ज्यादा जो है सॉल्ट होता है, नमक होता है। तो ये सागर इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? तो यही रीजन है कि जब ये इतना नमकीन है कि तो मीन्स पानी में मीन्स ऐसे लेट ही सकते हैं, थोड़े से लेट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या गुला क्या नहीं। आयशा का चेहरा सॉरी आयशा का जो चचेरा बाई था हमीद, उसके साथ खेलने खेलने आया। उसने आते ही चक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हो आऊं, आकर चक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हमीद ने सोचा जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। तुम हमीद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, आयशा और हमीद ने बहुत छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हमीद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर देखा। एक साथ 2 बूंदे तेल की टपकाई उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन पर टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। और आगे है डांडी यात्रा। तो ये एक वो वाला महात्मा गांधी जी वाला है डांडी यात्रा। ये घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों में से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बदशीस कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी की समुद्र तट तक एक लंबी यात्री का की ओर इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से नमक बनता है। तो अपने डांडी यात्री के बारे में भी समझ लिया। तो बहुत कुछ है नमक के जानने में। वी कैन एक्सप्लोर सो मच अबाउट इन आर अर्थ। बहुत कुछ है अर्थ।
If you like this video, click on like button. And for more updates on these videos, click on subscribe button now. If you like this video, click on like button. And for more updates on videos, click on subscribe button.